हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कच्चा पपीता। इसको हम छील के काटेंगे। जब तक हम इसे काटेंगे तब तक एक बर्तन में मैंने पानी लिया है, इसको हम गैस पे बॉईल होने के लिए रख देंगे। हमारा पानी बॉईल होगा तब तक हम पपीते को काट लेंगे। पहले हम इसको छील लेंगे। हमने पपीता छील लिया है, अब हम इसको काट। इसको बीच हम निकाल लेंगे। ये सारे पपीते को ऐसे काट लेंगे और हम इसके बीज सारे निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये ऊपर का जो हिस्सा है इसे ऐसे छील देंगे। इसी तरीके से जो अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे और एक बार पानी चेक करेंगे। अगर हमारा पानी बॉईल हो गया होगा तो हम फ्लेम को लो पे कर देंगे। अब हम इसको से पीस से काट लेंगे। इसे भी पीस से काट के छोटे छोटे पीसेस में हम इसके स्क्वायर पीस कर लेंगे। हमें ज्यादा बड़े नहीं चाहिए, हमें इतने इतने पीसेस चाहिए। ये देखिए, अब इसी तरीके से इसे चाकू से काट सकते हैं। मैं इसे चॉपर से काट रही हूँ। तो मेरे पास ये चॉपर है, मैं इससे एक एक पीस लेके इस तरीके से रख के इसे काट लेंगे। इसको पहले हम इसे चॉपर में, ये थोड़े हार्ड हैं होते हैं, तो इसको पहले इस तरीके से दो पीस करेंगे और इसे करेंगे। इसे ऐसे करके हम सबको चॉपर में कट कर लेंगे। ये मैंने सारा पपीता इस तरीके से काट लिया है, ये ऐसे छोटे छोटे पीसेस हैं। अब हम इसको जो हमने पानी बॉईल होने रखा था उस पे बॉईल करेंगे। ये जो हमने पानी रखा था ये बॉईल हो गया है। अब हम इसमें जो हमने पपीता काटा था वो मिला लेंगे। पानी हम उतना ही लेंगे जितने में ये हमारा जो पपीता है ये पूरा डिप हो जाए। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। हमें इसे थोड़ा सा पकाना है ताकि जो पपीता है वो कच्चा ना रहे, हल्का सा पक जाए। ये 5 से 10 मिनट हो गए, इसे एक बार चेक करेंगे। स्पून लेंगे और इसे हल्का सा ऐसे काट लेंगे। ये अभी नहीं कट रहा है, ये अभी भी इसमें थोड़ी सी, और हम इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट करेंगे। बेसिकली हमें ग्राइंड करना है, हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। हम इसे एक बार चेक करेंगे। अब ये काफी सॉफ्ट हो गए हैं और थोड़ा इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसको फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेनर लिया है, अब हम इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे।
हम एक कढ़ाई लेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम लगभग एक ग्लास 200-250 ml के आसपास पानी डालेंगे। अब हम इसमें एक कटोरी चीनी डाल देंगे। चीनी को इसमें घोलना है, इसको थोड़ी देर पकने देंगे। पानी बॉईल हो गया है और चीनी भी इसके अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें जो हमने ये बॉईल करके रखे थे पीसेस हम इसमें मिला। अच्छे से मिलाएंगे और अब हम इसे फुल फ्लेम पे 5 मिनट कवर करके पकाएं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे एक बार चेक करते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे फ्लेम से नीचे उतार लेंगे। अब हम यहाँ पे 3 बाउल लेंगे। मैं इसे 3 कलर में बना रही हूँ इसलिए मैंने 3 बाउल लिए हैं। आप बाउल लिए हैं, आप जितने कलर में बनाएं आप उतने बाउल ले लें। अब हम इनको 3 इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड कर देंगे। इसे 3 इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड कर देंगे। अगर आपको कच्चा पपीता ना मिले तो आप इसको तरबूज के छिलकों से भी बना सकते हैं। प्रोसेस सेम है, बस आपको तरबूज के छिलकों को छील लेना है, ग्रीन पार्ट उसका निकाल देना है पीछे से और जो आगे रेड पार्ट होता है उसको भी निकाल देना है और सेम इसी तरीके से आप उसे काट के इसी शेप में बॉईल करके यही प्रोसेस फॉलो करके ये फ्रूट टूटी फ्रूटी आप उससे भी ये मेरे पास ग्रीन कलर है तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर लेंगे। हमें बहुत थोड़ा सा एड ऑन करना है तो हम ये इस तरीके से इतना सा कलर लेंगे और ये हम इसमें मिला देंगे और इसी तरीके से हम ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज रेड कलर है, इसे भी हम ले लेंगे और ये हम इसमें मिला देंगे। ये मेरे पास येलो कलर है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम तीनों को मिक्स कर लेंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं कलर्स और अब हम इसको ऐसे ही 2 घंटे के लिए डिप रहने देंगे ताकि जो शुगर है वो अच्छे से इसके अंदर तक रस जाए और फिर 2 घंटे बाद हम इसे निकालेंगे। दो घंटे हो गए हैं और हमारी टूटी फ्रूटी तैयार है। अब हम एक ट्रे लेंगे और हम इस ट्रे में फॉइल पेपर लगाएंगे, हम एक स्ट्रेनर लेंगे और नीचे एक बर्तन रखेंगे और अब इनको एक एक करके हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो अच्छे से पानी निकाल देंगे। ये हमारी ग्रीन वाली टूटी फ्रूटी रेडी है और हम इसको ये जो हमने ट्रे लिया था हम इसमें स्प्रेड कर देंगे, इसको अच्छे से फैला देंगे। और ये रेड वाली हम दूसरे ट्रे में निकाल के स्प्रेड कर देंगे। टूटी फ्रूटी को आप किसी भी चीज में डाल सकते हैं, जैसे आप कस्टर्ड बनाएं या फिर मैंगो शेक, बनाना शेक, केक में भी इस्तेमाल करते हैं और इसको आप एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में कम से कम 3-4 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं
ये आपकी खराब नहीं होती है। अब ये हमारी रेड वाली हो गई और ये हमारी येलो एंड ग्रीन। अब हम इसको सुखाएंगे। सुखाने के लिए हम इसे फैन के नीचे भी सुखा सकते हैं। फैन के नीचे सुखाने में हमें इसे कम से कम 2 दिन लगेंगे। अदरवाइज हम इसे सनलाइट में भी सुखा सकते हैं। आप अगर इसे सनलाइट में सुखाएं तो एक चीज का ध्यान रखें कि इसको एक दुपट्टे से कवर कर दें ताकि डायरेक्ट सनलाइट और डस्ट इस पे ना पड़े। तो अब हम मिलते हैं जब ये सूख जाएगी। तो मेरी टूटी फूटी बनके तैयार है। मैंने इसको ओवरनाइट फैन में और 3 to 4 hours के लिए सनलाइट में सुखाया है। तो ये सब बनके रेडी है और ये थोड़ी पहले से देखो सूख के छोटी भी होगी। अब हम इसको सबको एक जगह निकाल के एक बॉक्स में स्टोर करके रख लेंगे। कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में माई टूटी फ्रूटी बनके रेडी है। इसका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।